नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाली द वनस्पति हिंदी चैनल में। दोस्तों, गार्डनिंग का शौक सभी को होता है, लेकिन हम लोग अक्सर टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और एक ऐसे फूल होते हैं जो कि ज़्यादातर दो रंगों में, अलग अलग रंगों में आते हैं, एक तो सफ़ेद और एक गुलाबी सा रंग, प्याजी सा कलर। दोस्तों, वो फूल तो यहाँ वहाँ कहीं भी देखने को अक्सर ही मिल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सदाबहार। सदाबहार या बारहमासी या इंग्लिश में विंका। विंका के फ्लावर्स जो हैं अक्सर इधर उधर देखने को मिल जाते हैं, जो वो खुद ब खुद अपने आप ही उग जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमें घर में खुद लगाना हो, अपने गार्डन में शामिल करना हो, तो हमें बीजों से ही बोना पड़ता है। तो विंका के बीज मैं बो रही हूँ दोस्तों, और आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आम जो फूल होते हैं उनको मैं बो रही हूँ। सभी की बचपन की यादें जुड़ी होती होंगी इस फूल से, क्योंकि सभी के घरों में होते हैं और हम लोग तोड़ के अपने भगवान को चढ़ाते हैं जब हम छोटे होते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से जो है विंका के, एक जो हमने ऑनलाइन सीड्स मंगाए थे दोस्तों, ये है विंका मिक्स और ये है क्राफ्ट कंपनी के। दोस्तों, मैंने इसका पैकेट खोल लिया है, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी है। और दोस्तों, ये सीड्स हैं, जैसे राई के दाने होते हैं, राई के दाने गोल होते हैं, जो सरसों हमारी होती है वो गोल होते हैं, ये थोड़े ओवल शेप के हैं, अंडाकार हैं साथियों ये। और ये इस पैकेट में होंगे, अंदाज से बता रही हूँ, करीब करीब 50। तो दोस्तों, ये सीड्स ज़्यादा नहीं है और इन सीड्स को मैं बो ले रही हूँ। और इसके लिए मैंने लिया है 4 इंच का मिट्टी का गमला, बहुत अच्छा इसका ड्रेनेज होल, जिसको मैं तैयार कर ले रही हूँ एक कपड़े से। ये कपड़ा मैंने दोस्तों वही लिया है जो कि आजकल टिश्यू का जो कपड़ा होता है, जिसमें कि मार्केट से हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक तो बंद हो गई है, पॉलीथिन बंद हो गई है, तो आजकल यही वाले हमें कैरी बैग देखने को मिलते हैं। इसके ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए मैंने इसको लगा लिया है, और इसमें कोई पत्थर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी फोल्ड हो गई हैं, इसकी काफ़ी इसकी परतें हो गई हैं। और इसके लिए मैंने लिया है दोस्तों 50% रिवर सैंड, 25% गार्डन सॉइल और 25% जो काऊ का गोबर होता है, उसका जो उपला होता है, जिसे हम कंडा भी कहते हैं, उसको मैंने 25 और 50% सैंड लेके और इसको मिक्स कर लिया है। और दोस्तों, मैंने मिक्स करके ये रख लिया है, और इसी को मैं अपने इस पॉटिंग मिक्स के रूप में अपने गमले में भर ले रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जो काउडंग कंपोस्ट होती है दोस्तों, कंपोस्ट क्या, ये केवल उपला है जो 3 साल पुराना है, बहुत ही सेफ देसी और बहुत इजीली अवेलेबल, और अब तो ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं। और इसको मैंने फोड़ के और इसमें मिक्स कर लिया है, और इसको लगभग मैं 80% भर लूँगी दोस्तों, और देखती हूँ कि कितने दिनों में इसमें इन बीजों से पौधे बनते हैं, पौध निकलती है। और दोस्तों, जब हम मैं अपना गार्डन आपको दिखाऊंगी, तो उसमें ये वाले फूल भी क्या इनकी स्थिति है वो ज़रूर अपडेट दूंगी। तो इस तरह से मैंने लगभग इसको 90% भर लिया है गमले को, थोड़ा सा ठोक ले रहे हैं ताकि नीचे तक मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। और दोस्तों, अब मैं रख दे रही हूँ इसमें ये विंका के बीज, ये वाले दोस्तों, और इनको मैं आराम से दूर दूर बिठा ले रही हूँ, एक एक दाना बिछा ले रही हूँ दूर दूर इस तरह से। बारीक हैं, दूर दूर रख ले रही हूँ ताकि बीज ओवरलैप ना हो और रेट ऑफ सक्सेस जो है ज़्यादा मिल जाए, हमारे ज़्यादा सीड्स जो है स्प्राउट हो जाएं और अंकुरित हो जाएं और हमको ज़्यादा पौधे मिल जाएं। तो दोस्तों, बीज से तो मैं पहली बारी उगा रही हूँ विंका, सदाबहार, बारहमासी, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके नाम लोग पुकारते हैं अलग अलग नामों से। और मैं चाहती हूँ वीडियो छोटी रहे दोस्तों, इसलिए बस जल्दी से मैंने इनको बो दिया है इस तरह से। दोस्तों देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं काले काले। और इसको ढकने के लिए
मैं बहुत ही बारीक सी, बहुत ही बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह, इससे मैं इनके सीड्स को ढक दूंगी। और दोस्तों मैं इनको ज़्यादा मोटी परत से नहीं ढक रही हूँ, क्योंकि अगर बीज थोड़ा ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो फिर वो अंकुरित नहीं हो पाते और बीज पानी में गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उनमें अंकुरण नहीं होता है। और अब बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि इनमें कब पौध निकलती हैं। तो मैंने बारीक बारीक पाउडर की तरह छिड़क लिया है दोस्तों। मैंने अपना पॉटिंग मिक्स नहीं इनके ऊपर डाला है, सिर्फ इन पे गार्डन सॉइल डाली है दोस्तों, मिट्टी खाली छिड़की है। और इसमें मैं बहुत हल्के हाथों से पानी की बौछार कर लूँगी, छिड़क लूँगी पानी, और इस तरह से छिड़क लिया है ताकि जो है हमारे सीड्स अपनी जगह पे रहें। और दोस्तों मिट्टी गार्डन सॉइल इनके ऊपर डालने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि गार्डन सॉइल जो है अपनी जगह पे जब सूखती है थोड़ी तो वो जम जाती है, जिससे अंकुरण के लिए उनको मिट्टी मिल जाती है बीजों को। और दोस्तों हमें तो पता है कि अंकुरण के लिए हवा, पानी, मिट्टी और धूप मतलब गर्मी और खाद, तो सभी चीज़ें हमने अवेलेबल करा दी हैं। इनको हम छाया में रखेंगे दोस्तों, और जब इनकी जो सीडलिंग्स हैं, जब इनके जो पौध हैं लगभग 3-4 इंच के हो जाएंगे, तब हम इनको ट्रांसप्लांट करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और बहुत ही सुंदर फूल, बहुत ही ईजीली अवेलेबल और बहुत ही प्यारा जो फ्लावर होता है उसके बीज मैंने बो दिए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बातें ज़्यादा कर ली हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और दोस्तों अगर कुछ आलोचना है, अगर आप कुछ कमी निकालना चाहते हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेती हूँ, अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।